Good morning. Am I audible? Shall we start? Yes, sir. Okay, Shrishti. Thank you. Okay. So let's start from where we have left in our last class. हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हम लोग ने कल समाप्त किया था. Just as a sort of recap, whatever we have done yesterday. कल की परिचर्चा में हमने देखा थेरीज को हम फादर ऑफ फिलोसफी क्यों कहकर बुलाते हैं और संभवतः इसके कई कारण थे. नंबर एक, थेरीज वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इन द ओरिजिनल सेंस ऑफ द टर्म एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्ट और द स्किल ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस. तो प्रश्नों को सही तरीके से किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए और किस प्रकार उनका उत्तर बिना रहस्यवाद में, बिना धर्म में, बिना आध्यात्म में फंसे हुए देने का प्रयास किया जाए, इसका प्रयास थेलीज करते हैं. थेलीज जब भी कोई कथन देते हैं तो उसके पृष्ठभूमि में कोई ना कोई तर्क भी रखते हैं जो कि दर्शन शास्त्र की आधारशिला के समान है. सो asking the question and trying to respond to them is not something which is philosophical, because in each and every discipline we do practice questioning and answering. The thing important about the discipline of philosophy is that we do not accept or reject anything unless and until we have a logical background of it. To kisi bhi baat ko kehne ya sunne ya swikar karne ke liye अगर हम किसी तार्किक प्रमाण, तार्किक पृष्ठभूमि का प्रयोग करें तो हम उसे दर्शन शास्त्र कहकर के बुलाते हैं. हमने इस बात की कई बार परिचर्चा की है आपके पहले साल में, दूसरे साल में और अब तीसरे साल में कि फिलॉसफी शुड नॉट बी टेकन एज अ डिसिप्लिन इन द ट्रेडिशनल सेंस, इन द कन्वेंशनल सेंस एज वी टेक एनी अदर डिसिप्लिन लाइक लेट्स से लिटरेचर, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह. तो इन सब की तरह की का चरित्र स्वभाव दर्शन शास्त्र का बिल्कुल भी नहीं है. वस्तुतः दर्शन शास्त्र एक प्रक्रिया, एक पद्धति है जिसके द्वारा हम वास्तविक तथ्य, जिसको हम सत्य कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं, विजडम कह रहे हैं या फिर सोफिया कह रहे हैं, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं. अगर ये प्रक्रिया निष्पक्ष है, आलोचनात्मक है, पूर्वाग्रहों से रहित है और प्रमाणों के साथ है, तब ही हम इसको दर्शन शास्त्र कहकर के बुलाएंगे. सो एनी इंक्वायरी विच इज इम्पार्शियल, विच इज क्रिटिकल, विच इज अनबायस्ड एंड विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल एविडेंसेस शैल बी कॉल्ड एज फिलोसफी. हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि थेलीज ने बिल्कुल सही कथन दिए. हम ये भी नहीं कह रहे कि थेलीज के प्रमाण बिल्कुल सही होंगे. हम मात्र इतनी बात कह रहे हैं कि थेलीज ने पहली बार इस प्रकार की कला से हमको अवगत कराया. एंड मे बी दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच थेलीज इज नोन एज द फर्स्ट फिलोसोफर इन द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी. और गौर कीजिएगा, ये पाश्चात्य चिंतक स्वयं को फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं कह रहे बल्कि सिंपली फादर ऑफ फिलॉसफी कहकर के बुला रहे हैं. अगर आपको याद हो, अपने प्रथम वर्ष में, बीए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको आपका प्रिस्क्राइब टेक्स्ट था उसका नाम क्या था, किसी को याद है? एक हिंट अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सके, लेट्स सी हू रिमेम्बर्स द नेम फर्स्ट. द बुक प्रिस्क्राइब टू यू बाय फ्रैंक थिली. क्या नाम था उस किताब का जो हम लोग ने पहले साल में पढ़ी थी? एनीबडी? चारू, वसीम, सृष्टि, मेघना, रोशन, दिव्य, आंचल, उस किताब का नाम क्या था जो हमने पहले साल में प्रिस्क्राइब की थी और आप लोगों के साथ? हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी. फिलॉसफी
हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी एग्जैक्टली देविन, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इट वॉज नेम्ड एज द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। अब अगर हम गौर करें तो एक्चुअली तो इस किताब का नाम द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी होना चाहिए था, ना कि हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। और ये प्रश्न संभवतः आप में से, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू दिव्य, कि उस किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी ना होकर के हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी क्यों है। संभवतः इसका कारण, इसका तर्क WT Stace के द्वारा बनाई गई भूमिका में छुपा हुआ है, क्योंकि यस आयुष, क्योंकि स्टेस, पॉपलस्टोन जैसे कॉलोनियल माइंड वाले, यूरोसेंट्रिक माइंड वाले फिलोसोफर्स ओरिएंटल फिलोसफी यानी कि पूर्वीय दर्शन को तो दर्शन मानते ही नहीं थे। बिल्कुल वही बात जो हम लोग ने WT Stace के पेज नंबर 14 से 18 तक में देखी। तो उनका कहना था आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण सा कर रहे होगे, लेकिन आप धर्म कर रहे हो, आध्यात्म कर रहे हो, अतींद्रिय दर्शन कर रहे हो, पारमार्थिक चिंतन कर रहे हो, आप टेक्निकल सेंस में फिलॉसफी नहीं कर रहे। और फिलॉसफी कौन कर रहा है? ग्रीक्स, रोमन्स, जर्मन्स, फ्रेंच, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन एंड सो ऑन। यानी पूरा का पूरा वो सर्कल जो वेस्टर्न फिलॉसफी को बनाता है। और इन लोग का नॉमेनक्लेचर भी कितना नपातुला, कितना चालाकी से भरा हुआ है कि वो अपनी किताब का नाम हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी ना रखकर हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी रखते हैं। मानो फिलॉसफी का मतलब ही वेस्टर्न फिलॉसफी हुआ होगा। सो एनी हाउ, जब हम थेलीज को फादर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं तो ये जो वेस्टर्न नॉमेनक्लेचर है, हम उनको फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहकर बुला सकते हैं। और ऐसे थेलीज की चर्चा हम लोग ने अपने पिछले डिस्कशन में की थी। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड थिंकर इन द सेम ट्रेडिशन ऑफ द आयोनिक फिलोसफर्स एंड द नेम ऑफ द थिंकर वॉज Anaximander। नाउ Anaximander वॉज एन एक्सीडिंगली ओरिजिनल एंड ऑडेशियस थिंकर। He was probably born about 611 BC and died about 547 BC. Like Thales, he was also an inhabitant of Miletus. इसी वजह से इनको Milesian thinker भी कहते हैं। आप कभी भी confused मत होइएगा, आपके सिविल के एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, आपके IAS के एग्जाम में आयोनिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाए या माइलेशियन थिंकर का इस्तेमाल किया जाए, मतलब एक ही होता है, थेलीस, Anaximander और Anaximenes। इट विल बी सीन दैट ही वॉज अ यंगर कंटेम्परेरी ऑफ थेलीस, संभवतः उनके बाद की पीढ़ी के थे। ही वॉज बॉर्न एट द टाइम दैट थेलीस वॉज फ्लरिशिंग एंड वॉज अबाउट अ जनरेशन यंगर। He was the first Greek to write a philosophic treatise, which, however, has been unfortunately lost. तो थेलीस के समय में हमारे पास लिखित रूप में या तो कुछ भी नहीं था, या जो कुछ भी था वो हमें आंशिक रूप में मिलता है। लेकिन Anaximander पहली बार दर्शन शास्त्र का पूरा ग्रंथ लिखते हैं। हमें उसका नाम क्यों नहीं पता? हमें उसका नाम इसलिए नहीं पता क्योंकि ये ग्रंथ दुर्भाग्यवश खो गया, हमें प्राप्त नहीं हो पाया है। He was an eminent thinker for his astronomical and geographical knowledge। तो जहां पे थेलीस एक गणितज्ञ थे, नक्षत्र शास्त्री थे, वहीं पे Anaximander एक भूगोल शास्त्री भी थे। तो आप एक तरह की हिंट, एक क्लू आपको मिल रहा है कि फिलोसफर का मतलब होता है एन एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट किसी भी क्षेत्र का हो हम उसको फिलोसफर कहकर ही बुलाएंगे। और यही तो वजह है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में अगर डॉक्टोरल थीसिस सबमिट करते हो, PhD सबमिट करते हो, तो आपको जो डिग्री मिलती है वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की मिलती है। इट मीन्स Now you are an expert, a master of the concerned field, no matter what the field is।
He was eminent for his astronomical and geographical knowledge. Details of his life are not known to us. और एक इंटरेस्टिंग बात है जो आप लोग को संभवतः रोचक लगेगी, ऐसा माना जाता है कि विश्व का पहला मैप नक्शा सबसे पहले एनेक्सीमेंडर ने बनाया था, तो ये क्रेडिट भी एक फिलोसोफर के पास जाता है। जिस प्रकार थेलीस ने जगत के परम सिद्धांत या परम द्रव्य को जल माना था, उसी परंपरा में एनेक्सीमेंडर थेलीस से एक कदम आगे जाते हैं और वो थेलीस के इस कथन पर संदेह व्यक्त करते हैं कि अगर कोई परम द्रव्य हुआ तो वो जल के रूप में क्यों होगा, वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो पंचमहाभूत का सिद्धांत तो हमारे भारतीय दर्शन में भी आता है, तो हमें कैसे पता कि वो जल ही होगा, क्योंकि जो सारे तर्क आप जल को परम द्रव्य मानने के लिए दे रहे हो वो सारे के सारे तर्क अग्नि पर भी आरोपित किए जा सकते हैं, आकाश पर भी आरोपित किए जा सकते हैं, वायु पर भी आरोपित किए जा सकते हैं और भूमि पर भी आरोपित किए जा सकते हैं। सो व्हाई शुड वी नेम इट अगेन, एनेक्सीमेंडर कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के परम द्रव्य को जल का नाम क्यों दें, ये गलत होगा। वो कहते हैं दिस अल्टीमेट सब्सटेंस और दिस मैटर वी आर टॉकिंग अबाउट इज रादर फॉर्मलेस, आकार रहित है, इनडिफिनेट अनंत है एंड एब्सोल्युटली फीचरलेस मैटर इन जनरल, यानी उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता। मैटर एज वी नो इट इज ऑलवेज सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर, इट मस्ट बी आयरन और ब्रास और वॉटर और एयर और एनीथिंग एल्स। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज क्वालिटेटिव इन नेचर, यानी कि इन सारे के सारे पदार्थों में, चाहे वो जस्ता हो, लोहा हो, जल हो, वायु है, आकाश हो, इनके बीच की प्रक्रिया या इनके स्वरूप का भेद गुणात्मक होता है, परिमाणात्मक नहीं होता। यानी दे बेसिकली डिफर इन देयर क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एयर और क्वालिटी ऑफ आयरन एक चीज नहीं है, दो अलग अलग गुणों को दर्शाती है। तो एनेक्सीमेंडर यहां पर कहना चाह रहे हैं कि यदि हर मैटर का गुण अलग अलग है तो हम सबको जल में कैसे मान सकते हैं। तो जिस पदार्थ को हमें परम द्रव्य के रूप में स्वीकार करना है अपने आदर्श स्वरूप में, वो पदार्थ फॉर्मलेस और कैरेक्टरलेस होना चाहिए। फॉर्मलेस का मतलब वो रूपहीन होना चाहिए और कैरेक्टरलेस का मतलब वो गुणहीन होना चाहिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, एनेक्सीमेंडर जो बात कह रहे हैं बिल्कुल वही बात तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन में ब्रह्मस के बारे में कह रहे थे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। शंकराचार्य ने भी तो यही कहा था कि यदि कोई ब्रह्म है और अगर हम ब्रह्म को माने तो वो निर्गुण होगा, निराकार होगा, निर्वचनीय होगा। बिल्कुल ये वही बातें हैं जो एनेक्सीमेंडर अपने अल्टीमेट सब्सटेंस या फिर अल्टीमेट प्रिंसिपल के बारे में कह रहे हैं। थैंक यू शिवम। शुभम आप लेट हो गए आज। एनी हाउ, सो दिस सब्सटेंस शुड बी फॉर्मलेस एंड कैरेक्टरलेस एंड एज दिस इज इनडिटर्मिनेट इन क्वालिटी सो इट इज इनलिमिटेबल इन क्वांटिटी एज वेल। एनेक्सीमेंडर बिलीव्ड दैट दिस मैटर स्ट्रेचेस आउट टू इन्फिनिटी थ्रू द स्पेस। तो इस प्रकार का पदार्थ जिसको हम परम द्रव्य मानेंगे, जो स्वरूपहीन होगा, जो गुणहीन होगा, जो अवर्णनीय होगा, ये ऑल परवेडिंग होगा। ऑल परवेडिंग मतलब सर्वव्याप्त होगा। अब ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगेगा कि हमारे अगले पेपर में, जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, उसमें बाद में चल के रोमन कल्चर में जब हम गॉड की डिफिनेशन देंगे तो गॉड की डिफिनेशन भी बिल्कुल वही है जो एनेक्सीमेंडर अल्टीमेट सब्सटेंस की डिफिनेशन दे रहे हैं। इफ देयर इज अ गॉड, गॉड इज सपोज टू बी फॉर्मलेस,
God is supposed to be characterless and God is supposed to be indescribable. लेकिन एनेक्सिमेंडर कहीं भी गॉड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि गॉड शब्द अभी तक क्वाइन ही नहीं किया गया, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि ईश्वर नाम का भी कोई शब्द होता है, और अगर होता है तो इसके मायने क्या होंगे. एनेक्सिमेंडर बिलीव दैट दिस मैटर स्ट्रेचेस आउट टू इंफिनिटी, दिस इज ऑल परवेडिंग मैटर. अगर ये ऑल परवेडिंग मैटर है तो बिल्कुल ये ओमनी प्रेजेंट गॉड जैसी चीज ही तो है. द रीजन ही गेव फॉर दिस ओपिनियन वॉज दैट इफ देयर वॉज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैटर इट वुड लॉन्ग हैव बीन यूज्ड अप इन द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्यूमरेबल वर्ड्स. अगर थोड़ा सा एक निश्चित मात्रा में ये द्रव्य होता तो ये बनने की और मिटने की परंपरा में, प्रक्रिया में कब का समाप्त तो हो गया होता. लेकिन एनेक्सिमेंडर के अनुसार हमारे पास अनंत जगत है, तो अनंत जगत बार बार बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, क्रिएशन होता है, प्रिजर्वेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है. अगर हमारा रॉ मटेरियल थोड़ा सा ही होता तो शायद अब तक खत्म हो गया होता. चूंकि वो खत्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो मैटर, वो अल्टीमेट सब्सटेंस भी इनफाइनाइट है. हालांकि प्रोफेसर बर्नेट नाम के एक एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये जो इन्यूमरेबल वर्ड अनंत जगत का सिद्धांत एनेक्सिमेंडर ने दिया है, इसका मतलब एक के बाद एक आने वाले जगत नहीं है बल्कि साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग वर्ड्स का सिद्धांत है. साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग का मतलब बहुत सारे पैरेलल वर्ड्स चल रहे होंगे और सब एक साथ कार्य कर रहे होंगे. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी. दिव्य सृष्टि, आयो, शिवम, शुभम, हम सब ने फर्स्ट ईयर में स्पिनोजा के बारे में चर्चा करते हुए पैरेललिज्म की थ्योरी दी थी. मॉडर्न डे साइंस भी हमको बताता है कि हमारे पास बहुत सारे समानांतर जगत हैं. अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जिसके लिए हमें ग्रीक फिलोसफी पढ़ना जरूरी है, कि इस पैरेलल वर्ल्ड के सिद्धांत, जिसके बारे में बड़े प्राउडली मॉडर्न साइंस बात करता है, ये एक दर्शन शास्त्री के लिए कोई नई बात नहीं है. क्योंकि अगर आपने प्राचीन यूनानी दर्शन पढ़ा हुआ है तो आप निश्चित रूप से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह पाओगे कि वेल, ये बात तो एनेक्सिमेंडर ने बहुत पहले कह दी थी. एंड देयर गोज द क्रेडिट टू अगेन द डिसिप्लिन ऑफ फिलोसफी. इवन सो इट इज स्टिल ट्रू दैट दीज इन्यूमरेबल वर्ड्स वर नॉट एवर लास्टिंग बट बिगिनिंग, डेवलपिंग, डिकेइंग एंड गेटिंग डिस्ट्रॉयड. अगर ऐसे अनंत जगत हैं तो इनमें ये परम द्रव्य कहां निवास करता होगा और किस स्वरूप में होगा, इस बारे में एनेक्सिमेंडर कोई बात नहीं करते. और वो एक बड़ी ही वेग सी, बड़ी भ्रामक सी थ्योरी देते हैं और वो कहते हैं ये अननोन सब्सटेंस बाद में दो अलग अलग रूप में विभाजित हो जाता है, हॉट एंड कोल्ड. हॉट से सारी के सारे हॉटनेस वाली चीजें बनती हैं, फायर बनता है वगैरह वगैरह, और कोल्ड से सारी मॉइस्चर वाली चीजें बनती हैं जैसे कि वॉटर. तो इस तरह से एनेक्सिमेंडर ने अपने सिद्धांत में कहीं ना कहीं थेलीज के सिद्धांत को भी ओवरलैप कर लिया. उसके बाद वो कुछ अजीब सी थ्योरीज भी देते हैं. शिवम, शिवम आप क्या कह रहे हो? शिवम आपका कहना है हमारे उपनिषद दर्शन में भी तो अनंत जगत की बात की गई है. एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट. मेरा कहना है जिन अनेकानेक सिद्धांतों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो सारे के सारे सिद्धांत अपने मूल स्वरूप में ग्रीक फिलॉसफी में या फिर हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन में पहले से विद्यमान है. और जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं तब तक हम इन्हें कैसे जान पाएंगे. और इसीलिए अर्ली ग्रीक फिलॉसफी और प्राचीन भारतीय षड दर्शन को पढ़ना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है
अगर आप दर्शन शास्त्र में एक्सपर्टाइज चाहते हो तो फिर वो बाद में कुछ अजीब सी बातें भी करते हैं और वो कहते हैं कि इस जगत से फिर वेपर का निर्माण होता है, भाप बनती है जो कि व्हील के शेप में चली जाती है। ये व्हील शेप कभी कभी पाइप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसे अलग अलग प्रकार के जगत का निर्माण होता है, फिर इससे सन बनता है, मून बनता है, स्टार्स बनते हैं वगैरह वगैरह। और अर्थ इन सबका केंद्र है, यानी वो पहली बार जियोसेंट्रिक थ्योरी दे रहे हैं। अगेन हम पाते हैं एनेक्सिमेंडर के द्वारा दिए गए अनेकानेक सिद्धांत अब हमको बड़े बेतुके लगते हैं, हास्यास्पद लगते हैं, अस्वीकार्य लगते हैं। लेकिन अगर ये अस्वीकार्य हैं भी तो पहली बार इस प्रकार का सिद्धांत देने का प्रयास किया गया एंड फॉर दिस ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू द थिंकर्स लाइक थेलीज, एनेक्सिमेंडर एंड एनेक्सिमेनीज। Now the teaching of Anaximander exhibits a marked advance beyond the position of Thales. ये तो हम मानते हैं कि Anaximander ने Thales के थ्योरी को और ज्यादा रिफाइन किया, क्योंकि वो केवल जल तक नहीं रुके बल्कि एक अननोन सब्सटेंस तक चले गए। The formless matter of Anaximander is philosophically an advance on the Thales theory, showing the operation of thought एंड एब्स्ट्रैक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है अमूर्तीकरण, मतलब कुछ ऐसा जनरेट करना जिसे आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट में न नाप सको। ये क्या होगा? यही तो जनरल आइडियाज को बनाने की शुरुआत है। और हमने शुरुआत में फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या देखी थी? Philosophy is the study of ideas in the most general sense of the term. तो एक philosopher general idea ही तो बना रहा है। और general ideas को बनाने का आरंभ कहां से हो रहा है? The process of abstraction given for the first time by Anaximander. Secondly, Anaximander has definitely attempted to apply this idea and to derive from it the existent world. Thales had left the question how the primal world developed into the world entirely unanswered. Ab please is last line pe gaur kijiye jo WP space mein likhi gayi hai aur maine use in fact note kar rakha hai apni margin pe. Maine abhi aap log se kaha Thales had left the question how the primal water developed into a world entirely unanswered. तो इस परम द्रव्य से जगत का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रक्रिया के बारे में थेलीस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एनेक्सिमेंडर इसको बयान करने का प्रयास तो कर रहे हैं। हालांकि यह प्रयास हमको बेतुका हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन यह पहला प्रयास था। और अगर यह पहला प्रयास था तो इसे समुचित महत्व, समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए। इस पॉइंट को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये इसलिए भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम पाते हैं आमतौर पे साइंस जब इस वर्ड की बात करता है या आने वाले दार्शनिक जब इस जगत की बात करते हैं तो हम उसको एक नाम देते हैं, कॉस्मोलॉजी। नाम आपने सुना होगा, कॉस्मोस से बना है। कॉस्मोस का मतलब जगत, विश्व, ब्रह्मांड। और जब उसका अध्ययन किया जाता है तो हम उसको कॉस्मोलॉजी यानी विश्व विज्ञान का अध्ययन मानते हैं। अब थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीस क्या कॉस्मोलॉजी कर रहे हैं? नहीं, वो जो कर रहे हैं उसके लिए फिलोसफर्स एक नया नाम देते हैं, कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी और कॉस्मोलॉजी दो अलग अलग चीज है। जहां पे कॉस्मोलॉजी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, द कॉस्मोस इन इट्स इंटायरिटी, उसकी संपूर्णता में जगत का अध्ययन करना कॉस्मोलॉजी कहलाता है। बट द स्टडी ऑफ हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, हाउ द कॉस्मोस मस्ट हैव इवॉल्व, दिस इज नोन एज कॉस्मोगोनी। अच्छा, आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे मेरे ख्याल से, 9th 10th तक हर कोई रहा होगा,
तो मेरा आपसे प्रश्न है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और जब मैन एंड द यूनिवर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड में, आईसीएसई में, तो उसमें भी ये चैप्टर हुआ करता था। और हमने इस प्रकार के कॉस्मोगोनी की शुरुआत कहां से की थी, क्या आप में से किसी को याद है? हमने कॉस्मोगोनी की शुरुआत की थी द बिग बैंग थ्योरी से, राइट? जहां पे हबल नाम के व्यक्ति ने हमसे कहा था कि शायद किसी समय पे ये जगत एक वैक्यूम रहा होगा, एक वॉइड रहा होगा, और एक बहुत बड़ा सा बैंग हुआ होगा, और इस बैंग के साथ जगत के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई होगी। दिस इज प्रिसाइसली द साइंस ऑफ कॉस्मोगोनी। लेकिन ये बिग बैंग की थ्योरी आती कब है? ये तकरीबन 17वीं-18वीं शताब्दी में आती है। लेकिन इसका सटल फॉर्म हमको कहां पे मिलता है? इसका सटल फॉर्म यानी इसका आरंभिक स्वरूप हमें मिलता है थेलीज, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमिनीज में। तो अब अगर कभी आप लोग का वाद विवाद हो साइंस के स्टूडेंट के साथ, तो आप लोग बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हो जिन सिद्धांतों की बात आप अब कर रहे हो, हम दार्शनिकों ने इसकी बात 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही कर दी थी। वो बात दूसरी है कि चूंकि हम लोग के पास समुचित संसाधन नहीं थे, इसलिए हम उन बातों को सिद्ध, उन बातों को प्रमाणित नहीं कर पाए, हम उन बातों का कॉपीराइट या पेटेंट नहीं बना पाए। लेकिन ऐसा होने की वजह से हमारा महत्व कम नहीं हो जाता। शायद इसीलिए कहा गया कि इंटायर हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलॉसफी। और मैं यहाँ पे फिलॉसफी के साथ साथ साइंस और सोशल साइंस भी जोड़ना चाहूंगा। सो एज आई हैव अंडरस्टूड द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, टेक्निक गेट देयर ओरिजिन, गेट देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी। तो अब हमने थेलीज को देखा, एनेक्सिमेंडर को देखा, और अब इस श्रृंखला के तीसरे और अंतिम दार्शनिक हमारे पास आते हैं। वो भी आयोनिया के आइलैंड से थे, उनको भी हम मिलेटस से संबंधित मानते हैं, यानी मालेशियन आइलैंड से मानते हैं, और उनका नाम था एनेक्सिमिनीज। एनेक्सिमिनीज इज सेड टू बी बॉर्न समवेयर अराउंड 588 BC एंड डाइड अबाउट 524 BC। He also wrote a treatise of philosophy, but again, unfortunately, a very small fragment remains with us. हमारी विडम्बना यही है, ग्रीक फिलॉसफी के एक्सपर्ट्स के साथ समस्या यही आती है कि हमारे पास लिखित में बहुत कम मौजूद है, और हमें उन टुकड़ों को जोड़कर उनका कम्यूटेशन परम्यूटेशन करके हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी को समझना पड़ता है। लेकिन विश्वास करें, ये बड़ी ही सघन मेहनत का काम है, और अगर हमने इस टूटी हुई कड़ी को जोड़ लिया, जैसा प्रयास टेस, कॉपल स्टोन, रीप, थिमिंग वगैरह करते हैं, तो हमारे पास वेस्टर्न फिलॉसफी की एक बिल्कुल सिस्टमैटिक चेन बन जाती है, और हम बिल्कुल कैलेंडर ईयर की तरह वन बाय वन सब चीजों को बयान कर सकते हैं, जो हमारी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा एनरिच करेगी, समृद्ध बनाएगी। नाउ एनेक्सिमिनीज लाइक द टू प्रीवियस थिंकर्स थेलीज एंड एनेक्सिमेंडर गेव सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज। उनका कहना था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स इज मटेरियल, लेकिन वो थेलीज की इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अल्टीमेट प्रिंसिपल या अल्टीमेट सब्सटेंस वाटर होगा। वो इस बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि अल्टीमेट सब्सटेंस अननोन होगा, इनफाइनाइट होगा। इन दोनों की जगह वो एक नया सिद्धांत लेकर के आते हैं। अब आप देखिए, ये सारे के सारे मेथड ट्रायल एंड एरर से गवर्न हो रहे हैं, और हर बार किसी सिद्धांत की पहली बार शुरुआत इसी तरह से तो होती है। तो आपके घर में आपके छोटे भाई बहन होंगे,
उन्होंने हर चीज को गलतियां करके सीखा होगा, है ना। हम सब भी चीजों को सीखने की प्रक्रिया में प्रयास करते हैं, गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, फिर प्रयास करते हैं और इस तरह से सीखते चले जाते हैं। तो थेरीज एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमिनीज को आप लोग गलतियां करने की श्रृंखला मान सकते हो। बहुत सारे सिद्धांत इनके गलत भी होंगे, इस बात को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रयास भी तो इन्होंने ही पहली बार किया। तो हमें भी तो आज के जमे समय में यह कहावत पता है ना कि आमतौर पे गलतियां वही करता है जो प्रयास करता है, और जो प्रयास ही नहीं करता वो गलतियां भी नहीं करता। तो ये लोग पहली बार ये साहस कर रहे हैं कि ये दार्शनिक प्रयास कर सके, और इसके लिए हम इनका सम्मान करते हैं। खैर, तो हमारे एनेक्सिमिनी साहब कहते हैं कि द अल्टीमेट सब्सटेंस ऑफ द वर्ड इफ इट इज शुड बी समथिंग लाइक एयर, वो वायु के जैसा होना चाहिए, वायु के जैसा होना चाहिए, जिसका अभिप्राय है जो गुण वायु में पाए जाते हैं वही गुण अल्टीमेट सब्सटेंस में भी पाए जाएंगे। अब वायु में कौन से गुण पाए जाएंगे, आप वायु का सेंस परसेप्शन नहीं कर सकते, आप वायु का डायग्राम नहीं बना सकते, एयर की पिक्चर नहीं खींच सकते, उसकी पेंटिंग नहीं बना सकते, आप दूसरे को शब्दों में बता नहीं सकते कि एयर क्या है, आप केवल उसको महसूस कर सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि आज कितनी अच्छी हवा चल रही है और आप लोग कहेंगे कहां हवा चल रही है, तो मैं कहूंगा वेल आई डोंट नो वेयर, मैं महसूस कर सकता हूं। और अगर आप गौर करो तो आप भी महसूस कर सकोगे, है ना। तो इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस परसेप्शन बट इट स्टिल एग्जिस्ट्स, और ये बिल्कुल ऑल परवेडिंग है जैसा कि अल्टीमेट प्रिंसिपल को होना चाहिए। एनेक्सिमिनीज एक कदम और आगे चलते हुए कहते हैं ये एयर दो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरती है, रेयरफैक्शन, विरलीकरण और कंडेंसेशन, सघनीकरण, विरलीकरण और सघनीकरण, रेयरफैक्शन और कंडेंसेशन। जैसे होता है ना कि वेपर बन के ऊपर गया फिर उसके बाद कंडेंसेशन के बाद वापस आया, ये सारी की सारी प्रक्रिया एयर में ही तो चलती रहती है। और इसके बाद वो कुछ गलत बातें भी कह देते हैं कि जब ये रेयरफैक्शन के प्रोसेस से गर्म होता है तो ये फायर बनाता है, और जब ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से ठंडा हो जाता है तो यही जल धरती और रॉक्स अर्थात चट्टानों का निर्माण करता है, और इस प्रकार ये जगत बनता चला जाता है। सो एनेक्सिमेंडर ऑल्सो कंसिडर्ड दैट अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क बट फ्लोटिंग नॉट ऑन वॉटर बट ऑन एयर। ये बात सुन के आपको हंसी आई चाहिए ना, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि सरप्राइजिंगली ये बात आज के समय में सही सिद्ध हो गई है, है ना। तो हम लोग जब सोलर सिस्टम का डायग्राम देखते हैं और अगर हम एयर का मतलब यहां पे आकाश से लगाएं तो हम पाते हैं कि सच ही तो है, भले ही अर्थ फ्लैट डिस्क ना हो बट इट इज actually floating in the space, and this is precisely what Anaximenes meant here. यही तो Anaximenes हमें बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से Anaximenes हमारे लिए महत्वपूर्ण चिंतक हो जाते हैं। Anaximander was to some extent a more logical and more definite thinker than Anaximander and Thales, but cannot compare with him in audacity and originality of thought. हालांकि Anaximenes के विचार हमको ज्यादा logical, ज्यादा तार्किक, ज्यादा बौद्धिक प्रतीत होते हैं, लेकिन originality तो Thales में और Anaximander में ही थी, again क्योंकि ऐसा प्रयास
उन्होंने पहली बार किया, क्या यही तीन चिंतक थे जिनको हम आयोनिक थिंकर मानते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे थिंकर्स भी हुए, लेकिन वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इन लोग का कम से कम नाम तो जान लें। तो एक और महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है जिनका नाम था हिप्पो। हिप्पो फॉलोड थेलीज एंड फॉर हिम द वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। देयर इज अनदर थिंकर विद द नेम ईडियस। ईडियस एग्रीड विद एनैक्सिमेनीज दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एयर। देन देयर इज डायोजीनियस। Diogenes of Apollonia is chiefly remarkable for the fact that he lived at a much later date, but he followed the philosophy of the Ionic thinkers. और वो air को ultimate substance के रूप में स्वीकार करते थे। तो इस पूरी की पूरी परिचर्चा से हम लोग पाते हैं कि हमारा जो Ionic school of philosophy है, this is the first school of philosophy. ये क्रूड मैटेरियलिज्म की बात करता है, क्योंकि मैटर में ही और हम इनको पहली बार ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स के लिए स्वीकार करते हैं। ये किसी की कॉपी नहीं कर रहे थे, ये किसी की डुप्लीकेसी नहीं कर रहे थे, ये कहीं भी प्लेजरिज्म नहीं कर रहे थे, ये किसी से इंस्पायर भी नहीं थे, बल्कि इन थिंकर्स ने चीजों को स्वयं से गलतियां कर करके बार बार पुनरावृत्ति करके सीखा था। और इसी वजह से जब हम लोग क्लासिकल ग्रीक फिलॉसफी का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले इन थिंकर्स को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो हो सकता है आपसे परीक्षा में इन थिंकर्स के नाम से सवाल ना पूछा जाए, मैं या कोई भी पेपर सेक्टर आपसे पूछ ले, आयोनिक थिंकर से आप क्या समझते हैं, माइलेशियन थिंकर से आप क्या समझते हैं, और इन आयोनिक थिंकर्स के प्रमुख गुण क्या क्या थे। तो आपको पता होना चाहिए कि आयोनिक थिंकर्स में थेलीस, एनैक्सिमेंडर, एनैक्सिमेनीज आते हैं। इन्हीं को हम माइलेशियन थिंकर कहकर भी बुलाते हैं। ये अल्टीमेट सब्सटेंस की भी बात करते हैं, इसमें क्रूड मटेरियलिज्म पाया जाता है, इसमें कॉस्मोगोनिक की परिचर्चा पाई जाती है, और इनमें ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स विद्यमान है। सो दिस एंड्स द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन, द आयोनिक थिंकर्स। तो हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट किया? पहला इंट्रोडक्शन, जहां पे ग्रीक फिलॉसफी से हम क्या समझते हैं इसकी परिचर्चा WT स्टेस ने की, और नंबर टू द आयोनिक थिंकर्स, जिसका क्या अभिप्राय हम लगाएं, इनके सिद्धांतों से हम क्या समझें, इसकी चर्चा हमने अपने इस क्लास में की। क्या यहां तक मैं क्लियर हूं? आपको स्पष्ट हो रही है चीजें? और स्पष्ट होने से भी ज्यादा जरूरी, क्या ये चीजें आपको रुचिकर लग रही है? इज इट सीम इंटरेस्टिंग टू यू? क्योंकि अगर ये रोचक लगेगा तो बाद में समझ में तो आ ही जाएगा। और इससे भी बड़ी चीज, क्या ये चीजें आपको उपयोगी लग रही हैं? आर दीज थिंग्स यूजफुल फॉर यू इन अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी? आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर अस टू डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। फिलॉसफी की बात करेंगे ताकि हमारे डिस्कशन में, हमारे क्लासेस में एक सिस्टमैटिसिटी बनी रहे। ओके प्रिंस, लेट्स टॉक टुमारो अबाउट दिस। ओके, तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे आते हैं। हम इसकी पूरी चर्चा आज नहीं करेंगे, हम इसका केवल इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे ताकि मानसिक रूप से आप लोग तैयार रहो, और फिर अगले हफ्ते की क्लास में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्कूल है। आपको याद होगा अब तक हमने एस्ट्रोनॉमी को इंक्लूड किया,
मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया, ज्योग्राफी को इंक्लूड किया, क्योंकि अब तक के हमारे फिलॉसफी के एक्सपर्ट्स इन सारी चीजों में महारत रखते थे। अब हम उन थिंकर्स पे आ रहे हैं जो अगेन नंबर्स में महारत रखते हैं और जिन्हें हम दर्शन शास्त्र में भी उतने सम्मान के साथ पढ़ते हैं जितने सम्मान के साथ गणित की विधा में पढ़ते हैं। उनका नाम क्या हो सकता है? एनी ब्लाइंड गेस? हम सब ने उनके सिद्धांत पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है और बोर्ड के एग्जाम में लिखा हुआ भी है, हालांकि तब तक हम फिलॉसफी नहीं जानते थे। हु इज द थिंकर? पाइथागोरस। परफेक्टली दिव्य। सो पाइथागोरस प्रिंसिपल हम सब ने पढ़ा और पाइथागोरस को पढ़ते समय हमने माना ये तो सिर्फ मैथमेटिशियन है क्योंकि इनकी थ्योरी मैथमेटिक्स में दी जाती है। क्वाइट इंटरेस्टिंगली पाइथागोरस बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ याचल यशिवम। एवरीबडी ऑफ यू नो द थिंग। सो नाउ वी आर टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट द पाइथागोरियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो पाइथागोरस का कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान सिर्फ इतना ही थोड़ी ना था कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो हम सबको पता है। थैंक यू रोहन। पाइथागोरस का मूल कॉन्ट्रीब्यूशन, ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इस कॉस्मोगोनी की थ्योरी को, इस अल्टीमेट प्रिंसिपल की थ्योरी को कहीं ज्यादा आगे बढ़ाया, यानी आयोनिक स्कूल के थॉट्स को एक रिफाइंड फॉर्म प्रदान किया और इस क्रूड मटेरियलिज्म को रिफाइंड एब्स्ट्रैक्शन तक ले गए, यानी हमारे इंडिविजुअल मैटर के थॉट को एब्स्ट्रैक्ट या फिर जनरल आइडिया तक पहुंचाने का प्रयास किया। नॉट मच इज नोन ऑफ द लाइफ ऑफ पाइथागोरस। थ्री सो कॉल्ड बायोग्राफीज हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम एंटीक्विटी बट दे वर रिटन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस एंड आर फिल्ड विद अ टिश्यू ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट फैंसीज विद स्टोरी ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स वर्क बाय पाइथागोरस। तो हम सबके साथ ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे लिए कल्ट फिगर बन जाता है तो हम उसको लार्जर देन लाइफ की तरह देखने का प्रयास करने लगते हैं। जैसे अभी फिलहाल हम लोग के लिए बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार्स होंगे तो हम लोग अपनी टीन एज में उनके पोस्टर्स अपने रूम में लगाते हैं, हम दिन भर उन्हें देखते रहते हैं, हम उनको अडोर करते हैं, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, राइट? पाइथागोरस को भी आप ग्रीक कल्चर या ग्रीक ट्रेडिशन का स्टार समझ सकते थे। जिस तरह से थेलीज को हम लोग सेवन सेजेस में शामिल करते थे उसी तरह से पाइथागोरस को भी सप्त ऋषियों में सम्मिलित किया गया है। और कई बार ऐसी बातें भी आती हैं कि उन्होंने कई तरह के चमत्कार भी कर दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा है भी तो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फिलोसॉफिकल थ्योरीज एज प्रोपाउंडेड बाय पाइथागोरस हिमसेल्फ। तो पाइथागोरस साहब क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये कि वो 580 से 570 बीसी के आसपास कभी पैदा हुए थे सेमोस नाम के आइलैंड में और बाद में वो क्रोटोना में माइग्रेट कर गए थे। ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगेगा ना, अभी तक हम जिनकी बात कर रहे हैं वो आयोनिया में है, मिलेटस में है, ये ग्रीक ज्योग्राफी के बाहर पड़ता है। देन हम इसके बाद पाइथागोरियंस की बात करते हैं, तो पाइथागोरस पैदा कहां हो रहे हैं? सेमोस में। सेमोस के आइलैंड भी ग्रीस का पार्ट नहीं थे, बाद में वो कहां माइग्रेट कर जा रहे हैं? क्रोटोना में। क्रोटोना कहां था? साउथ इटली में था, यानी अगेन रोमन सिविलाइजेशन को बिलोंग करता था, ये भी ग्रीस में नहीं है। एंड अ लीजेंड गोज दैट बिफोर ही अराइव्ड इन साउथ इटली ही हैड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन इजिप्ट एंड इन अदर कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। अगेन आपको ये जानना रोचक लगेगा कि ये जो अदर कंट्री ऑफ द ईस्ट का नाम आ रहा है इसका अभिप्राय हिंदुस्तान से है, भारत से है, इंडिया से है। तो एक मिथक, एक लीजेंड ऐसा भी जाता है कि पाइथागोरस
पैदा तो सेमोस में हुए हैं बट वहां से इंडिया घूमने आते हैं, इंडिया से ज्ञान का संकलन करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसके बाद इजिप्ट से होते हुए क्रोटोना पहुंच जाते हैं और वहीं पे जाके बस जाते हैं और वहां पे अपना नंबर्स का सिद्धांत देते हैं और फाइनली अपना पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। हमें नहीं पता कि ऐसा हुआ था कि नहीं, क्योंकि हम उनके जीवन वृत्तांत के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, हम तो फिलोसफर्स हैं ना। तो हम उनके द्वारा दिए गए निष्पक्ष पूर्वाग्रह रहित सिद्धांतों और उनकी आलोचना में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास स्पेशली। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट द पाइथागोरियन सोसाइटी जो पाइथागोरस के अनुयायियों ने बनाई गई थी वॉज नॉट ओरिजिनली अ स्कूल ऑफ फिलोसफी। पाइथागोरस ने ये सोच के अपनी सोसाइटी नहीं बनाई थी कि हम फिलोसफी में कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट ही इट वॉज रियली अ रिलीजियस एंड मॉरल सोसाइटी। तो ये समाज में धार्मिक और नैतिक रूप से सुधार करने का सिद्धांत था। इनफैक्ट कभी कभी हम उनको एक ऑर्फिक सेक्ट भी मानते हैं। ऑर्फिक सेक्ट क्या होता है? जो किसी से संबंधित ना हो, थोड़ा सा उसको आप क्या कहेंगे, जादू टोने करने वाला सेक्ट मान सकते हो, ग्रुप मान सकते हो। खैर, तो उससे हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पे जादू टोने का मतलब क्या लगाया जा रहा है, इसे सुन के आप लोग थोड़ा सा आहत फील कर सकते हो, क्योंकि जादू टोने का मतलब यहां पे वो है जो हम करते हैं यानी थ्योरी ऑफ लिबरेशन, सोटेरियोलॉजी, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग, अदृष्ट, द जजमेंट डे वगैरह वगैरह, कयामत की रात। तो जो ग्रीक थिंकर्स थे वो इन सब को जादू टोने के समान मानते थे, कहते थे ये फिलोसफर का काम नहीं है, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं फिलोसफी के नाम पर। अगेन हम वापस अपने डिस्कशन पे लौटे। स्टेज ने क्या कहा था? स्टेज ने कहा था इंडियन फिलोसफी और ओरिएंटल फिलोसफी फिलोसफी इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज सोटेरियोलॉजी। और उस समय हमको बहुत गुस्सा आया था, बहुत बुरा भी लगा था, लेकिन ये तो वहां की परंपरा थी। वो स्वयं के पाइथागोरियन स्कूल को, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण था, इसे भी फिलोसफी से ज्यादा ओकल्ट और ऑर्फिक सेक्ट मान रहे थे। तो अब हमको उनके अभियोग इतने बुरे तो नहीं लग रहे हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे फिलोसफी को रिलीजन से अलग करने का प्रयास किया गया और एज ए स्पेसिफिक डिसिप्लिन स्थापित करने का प्रयास किया गया। और इसका पहला सुव्यवस्थित अनुशासित प्रयास पाइथागोरस की थ्योरी ऑफ नंबर्स में मिलता है, जहां पे पाइथागोरस कहते हैं अगर कोई अल्टीमेट सब्सटेंस हुआ, अगर कोई फर्स्ट प्रिंसिपल हुआ, तो वो जल अग्नि वायु में तो नहीं मिलेगा, तो वो कहां मिलेगा? वो हमें नंबर्स में, संख्या में मिलेगी, क्योंकि ये संख्याएं ही हैं जिन्हें हम बाह्य जगत में आरोपित करते हैं। लेकिन ये पाए कहां जाते हैं? वो हमारे मनस में पाए जाते हैं। सो दीज आर प्रिसाइसली द नंबर्स विच आर सीन इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट इक्वली प्रेजेंट इन आवर इंटरनल वर्ल्ड। तो ये मानसिक भी हैं और एक तरह से भौतिक भी हैं। ये संसार में है भी, संसार में नहीं भी हैं। ये हर जगह विद्यमान हैं और इन्हें आप महसूस कर सकते हो लेकिन सेंस परसेप्शन नहीं कर सकते। आप नंबर्स को कैसे जानते हो? लॉजिकल प्रोसेस से जानते हो। चूंकि आप लॉजिकल प्रोसेस से जानते हो तो शायद यही अल्टीमेट सब्सटेंस, परम द्रव्य होंगे। तो इस पॉइंट पे हम लोग आज का अपना डिस्कशन समाप्त करते हैं। बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक मंडे को करेंगे और कल हम लोग मिलते हैं अपने फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के क्लास के लिए। सो आई होप आई एम क्लियर। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वेरी पेशेंट लर्निंग एंड लिसनिंग टू मी। सो थैंक्स लॉट। बाय।